हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक यादव है। मैं आपको आज बताऊंगा कि सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसका एग्जाम की डेट क्या है और कितने सब्जेक्ट में ये अवेलेबल होता है और इसे कौन कंडक्ट कराता है। ठीक है, सीएसआईआर यूजीसी नेट जून एग्जाम ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात डिस्कस करेंगे कि ये सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, तो किसके थ्रू ये कंडक्ट होता है। तो कंडक्ट बाय एनटीए। अब ये एनटीए क्या है? एनटीए हमारी एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म इसके बिगिन कब से है, स्टार्ट कब से है, वो एप्लीकेशन फॉर्म इसके 10 मार्च अप टू 10 अप्रैल। तो इसके आप फॉर्म 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, और ये मतलब कितने सब्जेक्ट में ये अवेलेबल होता है एग्जाम, कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं पीजी वाले, वो इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा सब्जेक्ट है इसमें मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस। तो ये हमारा जो सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम है, जो 5 सब्जेक्ट में होता है, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट में कराया जाता है सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम। अब बात आती है इसकी एग्जाम की डेट क्या, तो इस एग्जाम की डेट इसकी ये जून 6, 7, 8 इन 3 डेज में ये एग्जाम को होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले ये पढ़ा कि सीएसआईआर यूजीसी नेट जून एग्जाम वाला एग्जाम है वो कब कंडक्ट कर, कौन कंडक्ट, किसके थ्रू कंडक्ट होता है, वो एनटीए के थ्रू कंडक्ट होता है। इसकी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी वो 10 मार्च हुई थी, मतलब एप्लीकेशन की स्टार्ट का 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में होगा। बाकी अगर कोई सेक्शन होगा वो आप 12 अप्रैल के बाद में आपको समय मिलेगा उसमें आप कर सकते हो। अब जो बात आती है कि ये 5 सब्जेक्ट में इसको करा जाता है, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस एंड केमिकल साइंस। ठीक है, और इसके एग्जाम की डेट है जून 6, 7, 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।